आस्था का केंद्र माँ बागेश्वरी धाम में इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर कूदरगढ़ न्यास समिति कूदरगढ़ महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। यह महोत्सव 6 अप्रैल से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें राज्य के साथ अन्य प्रदेशों से भी आए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं जिला प्रशासन ने क्षेत्रीय कलाकारों को भी इस मंच के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है। बहरहाल 3 दिवस चलने वाले इस महोत्सव में जहां आए श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, वहीं प्रति वर्ष की भांति नवरात्र मेले का आयोजन होना है। बीते 2 वर्षों से कोरोना के कारण कूदरगढ़ धाम में मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ माता के दर्शन के लिए पहुंचेगी। सभी तैयारी पूर्ण होने के बाद जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, ये जो सूरजपुर अंचल की अधिष्ठाती देवी है माँ बागेश्वरी, उनको उनके इस नवरात्र के अवसर पर उस दिवस को, उस समय को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए और सूरजपुर जिले को और देव स्थल की एक पहचान बने, इसलिए कूदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूरे जिले वासियों में पहला चुके कूदरगढ़ महोत्सव होगा, इसलिए लोगों में बहुत ही उत्साह है। इसमें सबकी मांग थी कि 3 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। 6 अप्रैल को मानस गान प्रतियोगिता है, म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीत सुगम संगीत की प्रस्तुति है और छत्तीसगढ़ी लोक गायक पद्मश्री श्री अनु शर्मा जी की सांस्कृतिक प्रस्तुति है। 7 अप्रैल को कला केंद्र सूरजपुर, जो जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल है, उसकी टीम अपनी प्रस्तुति देगी। फिर पारंपरिक रैंप वॉक, ये इस अंचल जो ये आदिवासी वनवासी अंचल है, यहाँ की क्या वेशभूषा होती है और यहाँ के बच्चे भी रैंप वॉक कर सकते हैं, इसकी एक कोशिश की जा रही है। उसके बाद कवि सम्मेलन है, जिसमें पद्मश्री सुनील जोगी जी, दिनेश रघुवंशी जी, दिनेश दिग्गज जी, अंकिता सिंह, अमन अक्षर, गजेंद्र प्रियांशु, बलजीत कौर, पद्म लोचन मुंगफट जी, श्याम कश्यप बेचैन जी, तो ये पूरे देश के और छत्तीसगढ़ के कवियों का एक मिश्रित कवि सम्मेलन होगा। 8 तारीख को शिव तांडव एवं लेजर लाइट शो है और छत्तीसगढ़ी लोक गायक स्तुति जायसवाल, जो हमारे सूरजपुर की ही बिटिया है, और अंबिकापुर के संजय सुरीला जी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की जाएगी। इस प्रकार ये 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। ये महोत्सव पहली बार है तो किस तरह की तैयारी? पहली बार है, इसलिए हम सबके लिए, इस क्षेत्र के लिए पहला अनुभव है, उसके हिसाब से हमने पूरी तैयारी की है। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रस्ट, समाज सेवी संस्थाएं, हब मीडिया के लोग, सब लोग मिलकर इसे एक कार्यक्रम को उत्सव और त्योहार के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे हम कुछ नया सीखेंगे भी, जिससे कि अगले साल हम और अच्छा। टीसीपी 24 के लिए सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट।